पटना में कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो दो दुकान में लूट हो जाती है, सोना लूट के ले जाते हैं, हाजीपुर हो चाहे और जैसा कानून व्यवस्था। अब देखिए, राजधानी में तो एक से एक घटनाएं हो रही हैं। पूरे बिहार में आप सारे जो एडिशन के अखबार हैं, सब अखबारों को अगर एक साथ आप पढ़िएगा तो लगता है कि अरे दर्जन भरते हैं तो रोज कम से कम हो रही। राजधानी का कुछ कहना ही क्या है। मैंने कल ही जो घटना हुई, भला बताइए, मैंने 4 करोड़ की 5 करोड़ का सोना लूट गया, एक जगह कार्रवाई किया और बगल में दूसरे जगह फिर जो है मैंने घटना को अंजाम दिया। अब इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, कहा कि अपराध को हम सहन नहीं करेंगे, आईजी निकले फील्ड में जाए तो डीजी निकले फील्ड में जाए, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद भी घटनाएं रुक नहीं रही और रुक नहीं पाएंगी, असंभव चीज़ है। समाज में इतनी गैर बराबरी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, तो अब लोग जो है वैसी स्थिति में जेल जाना कबूल करेंगे, लेकिन उनके मन का जो लालच है कि किसी तरह से है हम जो है माने हम आपके तरह उनके तरह जो है हमारे पास भी सारी सुविधाएं हो, भोग के सारे सामग्री हो, ये चल रहा है। कुछ अच्छे घर के बड़े घर के लड़के भी एडवेंचरिज्म का शिकार होकर के ये सब काम कर रहे हैं, तो इसको बड़ा मुश्किल है रोकना। इसके बारे में दो पूरे यानी संदर्भ में इसके बारे में विचार होना चाहिए और क्यों इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इसको आप डायग्नोस करके दोनों तरफ से पुलिस की कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई, सब एक साथ मिला जुला करके जो है चलना पड़ेगा।